ठीक ठीक बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो। कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच होंगे, जाकर उनसे पूछो और जो वो निर्णय दें उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी यह बात सुनकर नभग्य के पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वहां धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यूं तो संसार की सारू वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुआ धन पर उन्हीं का विशेष अधिकार है। यज्ञ से जो धन बच सकता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है, अतः यज्ञ अविशिष्ट सारी वस्तुएं ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उन्हीं की इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वही जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभग्य पिता की आज्ञा से वहाँ गया और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, महेश्वर यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो क्या कहना, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण भ्रमवश जो कुछ कहा, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभग्य ने अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग्य को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण दर्शन बोले, नभग तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है, तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो, इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग्य के साथ अपने स्थान को लौट गए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया, जो इस आख्या को पढ़ता और सुनाता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। अध्याय 29 भगवान शिव के अवधूतेश्वरा अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी, वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने भगवान शिव के समीप जाते देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह ना जान सके कि ये साक्षात भगवान शंकर है। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो, इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, यह सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर ना करो, भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बार बार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकार हारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले।
चुप ही रहे, तब अपने ऐश्वर्य का घमंड करने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रहा, अतः है तुझे वज्र से मारता हूँ, देखूं कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इंद्र ने उन्हें मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उनका वज्र का स्तवन कर दिया, उनकी बाह पकड़ ली, वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदनंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाई देता हो। बुझाओ के स्तंभित हो जाने के कारण शचीवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया। बृहस्पति ने उन पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ लिया, ये साक्षात भगवान हर है। फिर वे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें, हम दोनों पर क्रोध नहीं प्रेम करें। महादेव शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए, आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इसे जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोष बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ, क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुल को फिर ग्रहण कर सकता है। बृहस्पति बोले, देव भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं, आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ, इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से ये जो आग प्रकट हुई है इसे देवता नहीं सह सकते, अतः है इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय तथा सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त हो उत्तमोत्तम सुख के भागी हुए। उनके लिए उनका आना हुआ था, वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। श्री सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक का अवतार का वर्णन किया, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य व्याख्यान पाप का निवारण करके यश स्वर्ग भोग मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 30, भगवान शिव के भिक्षुवार या अवतार की कथा। राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। श्री नंदी केश्वर जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों में प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। तदनंतर इसी समय शाल्व देश में राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोमन्नत शाल्व देश क्षत्रियों के साथ, जिनके साथ बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उसकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई।
फिर देव योग से राजा भी शल्वों के हाथ से मारे गए। उस नरेश के मारे